वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। आशा करता हूँ कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में आप सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशंस को सीरियसली ले रहे होंगे। मौसम बहुत बढ़िया है प्रिपरेशंस के लिए, आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, तो आपके पास इंडियन ज्योग्राफी को रिवीजन करने के लिए काफ़ी कुछ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमने दो हिस्से कर लिए हैं, और बाकी एमसीक्यू सेशन भी हमारा एक यहाँ पे जो है हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ हिस्सा शायद पूनम स्टार्ट हो जाए, सारा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि डे ऑफ जो कल का जो टाइम होगा, कल के दिन में हम लोग अपना अफ्रीका ख़त्म कर देंगे फॉर श्योर। कल हमारा पूरी तरीके से अफ्रीका जो है ख़त्म हो चुका होगा पूरी तरीके से, तो उसमें हमने हमारा रिवीजन भी हो चुका होगा, प्लस हमारा फिजिकल पॉलिटिकल सारा अफ्रीका जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो कल का सेशन हमारा ये है, और अच्छी बात ये है कि कल मैं अफ्रीका ख़त्म करूँगा आप लोगों के लिए, और सैटरडे का जो सेशन होगा हमारा, सॉरी फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू के लिए। तो हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और प्लस अफ्रीका, ये तीन सेशन, तीन कॉन्टिनेंट कर लिए होंगे, कर लिए हैं, अच्छी तरीके से घोट लिया होगा, पी लिया होगा, इनको रिवीजन कर ली होगी, रिवीजन चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की बार जो फ्राइडे आएगा, इस फ्राइडे को हमारा बकायदा इन तीनों ही कॉन्टिनेंट का एमसीक्यू सेशन होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन से, जो जो अभी बैठे हैं क्रांतिकारी, इन ये सारे क्रांतिकारी अभी बैठे बैठे मेरे साथ ही इसकी रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक मैक दिख रहा है, और इस ब्लैंक मैक के ऊपर आपको देखना है कि अभी तक जो हमने कंट्री की है, कौन कौन सी कंट्री की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, साथ साथ में आपको राजधानी जो है इनकी पता होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे ना, यहाँ दो, इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। बेसिकली ये आपका दो कंट्री है, ये कोई एक कंट्री नहीं है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग डियर श्री राम मूर्ति जी, हेलो कीर्ति। तो ये आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा कंट्री यहाँ पे आने वाला है। मैंने आपको बताया था, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, कि अगर आपने अफ्रीका को पकड़ लिया, अगर अफ्रीका के ऊपर रिदम अगर आ गया, अफ्रीका की कंट्री और उनकी जो लोकेशन है उनको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया दोस्त, तो मतलब ये समझ लो कि आप किसी भी कॉन्टिनेंट को बहुत ईजिली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अफ्रीका कॉम्प्लिकेटेड है, आपका ये 50 से ज़्यादा स्टेट्स, लगभग 54 स्टेट्स के आसपास जो है अफ्रीका जो है पूरा कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप समझिए लगभग आप 50 के आसपास जो है स्टेट्स के नाम याद रख रहे हैं, उनकी लोकेशन याद रख रहे हैं, उनकी राजधानी याद रख रहे हैं। सभी को नमस्कार डियर जी। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ़ है। प्लस हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सी के साथ या कोस्टल सिटी है, या कौन सा कोस्टल कंट्री है, और कौन से कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो अफ्रीका के अंदर आपको 16 ऐसी कंट्री दिखेंगी जो लैंडलॉक्ड हैं। वेरी गुड इवनिंग विपुल, वेरी गुड इवनिंग। 16 ऐसी कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। तो सबसे अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं, तो सर यहां पर फर्स्ट एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? वहां बैठे बैठे, राजधानी बाद में बोलूंगा, वहां बैठे बैठे आप जितने भी बैठे हो वहां बैठे बैठे इनकी राजधानी को रिकॉल करते रहोगे। अगर नहीं, अगर आपको राजधानी रिकॉल हो रही है, कैपिटल अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, वो कहीं ना कहीं रिविजन की बेस पे कम पड़ गई है। तो इसका मतलब है कि जहां जहां भूल रहे हो वहाँ वहाँ कोई तुक्का लगाओ, कोई ट्रिक्स लगाओ, कोई निमोनिक्स लगाओ, कुछ ऐसी चीज़ लगाओ जिसकी वजह से आप लोगों को वो रिकॉल हो जाए, वो रिवाइज हो जाए। तो ये आपको देखना है। सर फर्स्ट कंट्री यहाँ पे जो दिख रही है उस कंट्री का नाम क्या है? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? रब्बात। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आप कंट्री देख रहे हो सेकंड नंबर पे, ये कौन सी कंट्री है? वहाँ बैठे बैठे ही आपको आंसर करना है, लिखना नहीं है, लिखने में अपना टाइम वेस्ट होगा, आप सोचोगे फिर लिखोगे, कोई फायदा नहीं। वहाँ बैठे बैठे ही सोचो कि हाँ यहाँ पर ये कौन सी कंट्री है। सेकेंड नंबर पे कौन सी कंट्री है? सर इस कंट्री का नाम है केन्या। अच्छा, केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी क्या है? सर केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, और यहां पे थर्ड कंट्री है, थर्ड कंट्री कौन सी है सर? थर्ड कंट्री है यहां पे, हाँ बिल्कुल, थर्ड कंट्री है यहां पे बुरुंडी। उसके ऊपर कौन सी कंट्री है बॉस? फोर्थ नंबर पे कंट्री है सर रवांडा। उसके ऊपर कौन सी कंट्री है? उसके ऊपर कंट्री है सर युगांडा। अब इनकी राजधानी को वहीं से बैठे बैठे रिकॉल करते चलो। सर थर्ड कंट्री जो बुरुंडी है उसकी राजधानी है बुजुम्बुरा। फोर्थ कंट्री जो रवांडा है उसकी राजधानी है किगाली। और जो फिफ्थ कंट्री है युगांडा, उसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है, तो तीन चार पाँच की राजधानी होगी।
सर ये 6 नंबर की जो कंट्री है इस कंट्री का क्या नाम है? सर इस कंट्री का नाम है, मेरे बोलने से पहले पहले रिकॉल करो, आ रहा है इसका मतलब है कि रिवीजन बढ़िया है, और नहीं आ रहा इसका मतलब रिवीजन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। सर ये है जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर की कंट्री कौन सी है? सर ये है एरिटेरिया, ये कौन सी है? एरिटेरिया। अब इसकी राजधानी, राजधानी राजधानी सर राजधानी मेरे बोलने से पहले ही रिकॉल करो, आ रहा है तो इसका मतलब रिवीजन अच्छी है। राजधानी क्या है? असमारा। ओके 8 नंबर पे कौन सी कंट्री है? सर सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी क्या है? सर सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। बहुत बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर ये क्या है? 9 नंबर पे कंट्री। सर इस कंट्री का नाम है मालावी। दे अगर आप इसको देख रहे हो तो ये इसको नीला भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर एक लेक है, तो लेक कौन सी है वो हम आगे करेंगे। यहाँ पे 9 नंबर की कंट्री कौन सी है? मालावी। मालावी की राजधानी कौन सी है? मालावी की राजधानी कौन सी है? सर लिलोंगवे। ठीक है बेटा, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे आ जाओ, 10 नंबर की कंट्री कौन सी है? सर सर ये है साउथ सूडान। बिल्कुल सही। अब ये साउथ सूडान की राजधानी क्या है, बोलने से पहले दिमाग में लेकर क्या हो? साउथ सूडान की राजधानी है सर जुबा। जुबा फिर ऊपर कौन सी कंट्री है 11 नंबर की? सर ये है नॉर्थ सूडान, या फिर इसे सिंपल सूडान कह लो। तो सूडान की राजधानी क्या है बॉस? सर सूडान की राजधानी है खारतूम। बहुत सही बहुत सही। उसके बाद क्या बढ़ेंगे? सर ये 12 नंबर की कंट्री कौन सी है? सर इस कंट्री का नाम है टूनिशिया। ठीक है, इस कंट्री का नाम है टूनिशिया। टूनिशिया की राजधानी क्या है? सिंपल है टूनिश। चलो 13 नंबर कंट्री का क्या नाम है? सर इस कंट्री का नाम है लीबिया। बहुत बढ़िया, लीबिया की राजधानी क्या है? रिकॉल करो रिकॉल करो, लीबिया की राजधानी है सर त्रिपोली। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है 14 नंबर पे? इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है सर? इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी बोलो बॉस। सर इजिप्ट की राजधानी, सर इजिप्ट की राजधानी है कैरो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, यहीं तक हुआ था हमारा, आगे हम जा ही नहीं रहे। 10 आ जाओ, कितना 14th हो गया, 15 नंबर पे आ जाओ। 15 नंबर की कंट्री कौन सी है? सर 15 नंबर की कंट्री, 15 नंबर की कंट्री थी 15 नंबर की कंट्री, सर यह है तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी क्या है? मेरे बोलने से पहले ही मेरे बोलने से पहले बोलो बॉस जल्दी, डोडोमा। बिल्कुल सही सर। इसके बाद आते हैं 16th नंबर पे, इसकी राजधानी क्या है? पहले तो कंट्री बताओ, ये कंट्री कौन सी है? सर मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मोजाम्बिक की राजधानी है सर मापूतो, यहाँ पे नीचे की तरफ। सर इसके बाद नीचे कहाँ आना है? इस्तवानी लैंड के ऊपर। इस्तवानी लैंड की राजधानी क्या है? इस्तवानी लैंड की राजधानी क्या है? ये आपका 17th नंबर की कंट्री है, इस्तवानी लैंड का नाम बताओ। सर इसकी राजधानी है मबाने। और फिर इसके नीचे 18th नंबर की कंट्री आएगी बॉस, इस 18th नंबर की कंट्री का नाम बताओ क्या है? सर इसका नाम है लिसोथो। लिसोथो की राजधानी बताओ जल्दी, लिसोथो की राजधानी बताओ। सर लिसोथो की राजधानी है मासेरू। तो आपने एक चीज गौर की, यहाँ पे जो 16th नंबर कंट्री है मोजाम्बिक, इसकी राजधानी क्या है? सर इसकी राजधानी है मापूतो। मापूतो तो आप देखो 16th, 17th और 18th, ये जो तीनों कंट्री हैं जो साथ लगी हुई हैं, इनकी जो तीनों की तीनों राजधानियां हैं, एक की मासेरू है, दूसरे की मबनाने हैं, और थर्ड की मापूतो है। तो यानी तीनों ही कंट्री में MA से जो है चीजें स्टार्ट हो रही हैं, MA। तो यह है मबाने, बेसिकली MB से स्टार्ट होता है बट वो आइडिया लग जाता है। मबाने है, ये मासेरू है, और ये मापूतो। तो बेसिकली MA का जो है यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, तो वो लॉजिक लगाते चलोगे तो इसका मतलब तीनों के है ना ट्रैक पे, इसका आपको लगेगा कि हाँ यार ये तीनों ट्रैक पे है, इधर उधर जा रहा है तो ये तीनों वाले ट्रैक पे नहीं है। फिर आ जाइए यहाँ पर 19th नंबर की कंट्री है सर। 19th नंबर की कंट्री की तीन राजधानी है, यहाँ पर 19th नंबर की कंट्री की जो है तीन राजधानी है, तीनों को रिकॉल करो बॉस। एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटिव है, और एक जुडिशरी है। तो तीनों को यहाँ पर रिकॉल करो फटाफट। ये सर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या क्या है? साउथ अफ्रीका की राजधानी जल्दी, बैठे बैठे ही रिकॉल करना। अब आपको कुछ नहीं करना यार, आपको सिर्फ है ना सिर्फ बैठे बैठे रिकॉल करना। चलो हाँ, नहीं नहीं अभी तो एक ही लिखा है,
तीन 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 तीन, हाँ बिल्कुल, प्रिटोरिया है सर, ब्लूमफंटाइन एंड केपटाउन है। ऊपर की तरफ है आपको मिलेगा प्रिटोरिया, बीच में मिलेगा आपको ब्लूमफंटाइन, और नीचे जो आओगे आप, आपको मिलेगा केपटाउन। हाँ बस LEJ याद रख लेना, उसके हिसाब से अपना हो जाएगा। ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कितना है, 19 नंबर, 20 नंबर की जो कंट्री है वो कौन सी है बॉस? सर इस कंट्री का नाम है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। फिर 21 नंबर की जो कंट्री है उसका नाम बोलो दोस्त। और 21वें नंबर की राजधानी ऐसा कंट्री है जिम्बाब्वे, राजधानी क्या है? हरारे। ठीक है, तो ये बस 21 नंबर होगी। सर 22 नंबर की कंट्री कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। राजधानी बताओ क्या है? सर किन्शासा। किन्शासा 22 नंबर की कंट्री कौन सी है? किन्शासा। क्लियर यहां तक? यहां तक की सारी जो बोल बच्चन गिरी होगी हमारी। सर उसके बाद 23वें नंबर पे आएंगे, ये कौन सी है? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम कौन सा चलेंगे? ऊपर की तरफ। सर ये चलेंगे 24वें नंबर पे। कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी? अल्जीरियस। ओके, तो ये 24 नंबर की कंट्री हो गई, 24 कंट्री होगी, 24 कंट्री होगी। इसमें और कुछ बचता है? आई थिंक हम सब कर चुके हैं। चलो तो यहां तक, साउथ अफ्रीका तक हम लोगों ने छोड़ा था। साउथ अफ्रीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अन अकेडमी की जो रिचुअल्स हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं। ये कंट्री हो गई, रिवाइज हो गई। अगर सबने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया है तो उसका मतलब है कि आप सभी ने रिवीजन अच्छी वाली की है। अगर नहीं, कहीं पे भी गड़बड़ हो रहा है। नामीबिया भी हो गया था। अच्छा, ये दोनों हो गए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोग। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरेने। चलो कोई दिक्कत नहीं, इनकी राजधानी को रिकॉल कर लो, बैठे बैठे वहीं पे रिकॉल कर लो। तो आप सभी का, जो बागड़ बिल्ले नए हैं उन सभी का स्वागत करता है यहाँ रोहन हिमांशु जी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आईडी पे मेरा नाम है, लिख दीजिए, मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। जो भी आपको बातें करनी है, संवाद करना है, किसी भी तरह की बोल बच्चनगिरी करनी है, आपके दिल दर्द दिल के साथ बात करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के साथ साथ अल्टीमेट सरप्राइज, 20 किताबों का एक पूरा का पूरा जत्था आपको मिल रहा है। बकायदा आपको करना क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल से ऊपर का। आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर पे। 1 साल के साथ साथ 2-3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जब तक आपका प्री का एग्जाम जुलाई 22 का नहीं हो जाता तब तक दोस्त। और 10,000 की किताबें आपको फ्री मिल ही रही हैं। 4-in-1 ऑफर चल रहा है दोस्त, लोन भी अवेलेबल हो जाएगा, 10% डिस्काउंट रोहन सर के कोड की अप्लाई करने से। मेगा सब्सक्रिप्शन किताबें यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही भारी ऑफर चल रहा है। कल 26 मई है, लास्ट डेट है। अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो लो और रोहन सर का कोड अप्लाई करो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, जीएस प्लस ऑप्शन का ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस देख लो, और इस न्यू प्राइस में भी 10% रोहन सर का रेफरल कोड यूज करोगे तो मिल जाएगा। टोटल 35% का बेनिफिट हो रहा है, भारी छूट मिल रही है, जल्दी करो, इसके बाद ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आइकॉनिक जीएस और ऑप्शन में ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का ऑप्शन है, ये भी देख लो, इस पे भी मेरा कोड अप्लाई करो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी करो, ऑफर 26 मई तक ही अवेलेबल है। 1-to-1 पर्सनल मीटिंग, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या मिलेगा आपको अनअकैडमी के ऊपर, ये भी सारी चीजें हैं। टॉप एजुकेटर अवेलेबल है दोस्त, इसलिए आपको अनअकैडमी पे आना है। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे आपको वो पहले ही मिल जाएगा। बॉस आगे बढ़ने से पहले सब्सक्रिप्शन लो। वहाँ दो मॉडल अवेलेबल हैं, एक आपका प्लस का है और दूसरा मॉडल आपका आइकोनिक का है। इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, यानी बेसिकली यहाँ पे द्रोणाचार्य मिलेंगे आपको। और अगर इनमें से, यहाँ जो प्लान आपके बने हुए हैं इनमें से जिस भी प्लान को आप चूज करोगे और उस प्लान पे अप्लाई करने से पहले मेरा कोड अगर आप अप्लाई कर देते हो तो 10% इमीजिएटली डिस्काउंट आपको डील मिल जाएगा। मतलब ये पे करना पड़ेगा मेरे कोड अप्लाई करने के बाद, आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। सर आइकोनिक में जैसे मैंने बताया कि आपको द्रोणाचार्य मिलने वाले हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल एक गाइडेंस होगी जो आपको समय समय में बताएगी आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, और एक एक्सपर्ट गाइडलाइंस होगी जो, यानी उन्हीं की, कि बताएंगे कि दोस्त ऐसे करना वैसे करना। प्लस में सर इस चीज़ की नहीं होगी। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के ऊपर अभी आपका ऑफर चल रहा है 26 मई तक, इस पर बात नहीं करेंगे, इन पर बोल बच्चन करके खत्म करते हैं। 26 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी स्टार्ट करो। यहाँ पर बैच की जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। फ्री टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी ऐप पे मेरा कोड अप्लाई करना है, और हर संडे जो टेस्ट होता है उसके लिए अब अपने आप को एनरोल करना है। 11 बजे फ्री रजिस्ट्रेशन, मेरा कोड, टॉप 3 में आओगे सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। थैंक यू सो मच डियर जी। बढ़ते हैं हम आगे। आज की जो परंपरा है, यानी हमारा अफ्रीका है, वो हम स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका का
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो चुका है, सेंट्रल अमेरिका हो चुका है, कैरिबियन आइलैंड्स हो चुके हैं या कैरिबियन सी हो चुके हैं, अफ्रीका को स्टार्ट कर चुके हैं सर, 3 दिन हो गए यहाँ पर, बोल बच्चनगिरी कर ली यहाँ पर, माफी चाहूंगा, 24 कंट्री नहीं है यहाँ पे, 25th कंट्री यहाँ पे बोत्सवाना ले लो गैबोरोने, और यहाँ पे 26 नंबर की कंट्री ले लो नामीबिया यानी विंड विंड होक। चलो तो ये हो गया हमारी सारी की सारी कंट्री बॉस, देन ये भी हो गया, ये भी हो गया। इनकी राजधानी हमने कर ली थी तो इन पे हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे जंप मारते हैं कहाँ, अंगोला पे, आई थिंक यहां तक हो चुका था इस्तवानी। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अंगोला से, यहां तक नीचे की तरफ हम लोग कितने कंट्री, 26 कंट्री कर चुके दोस्त, अब हम 27th नंबर की कंट्री पे पहुंचते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर एक आपको कंट्री दिख रही है सर, उसको मैं बोलता हूँ अंगोला, अंगोला की राजधानी पकड़ो, राजधानी है लुआंडा। तो अगर आप देखोगे ये है आपकी अंगोला, अंगोला के साथ जो कंट्री लगती है वो है जिम्बाब्वे, सॉरी जाम्बिया, ये आपकी यहाँ पे दिस कंट्री इज बेसिकली जाम्बिया, और जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। तो आप देखो इसकी राजधानी तो होगी लुसाका, इसकी राजधानी होगी लुआंडा, तो दोनों जो कंट्री है दोनों की राजधानी में एक सिमिलरिटी मिल रही है। अगर आप लोग पैटर्न समझ जाओगे ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इन फ्यूचर में इस चीज़ को है ना बहुत ही जल्दी क्विक पकड़ने के लिए कि सर वहाँ लुसाका है इधर लुआंडा है, तो बेसिकली सिमिलर साउंड कर रहा है, या ये कह लीजिए दोनों का LU से स्टार्ट हो रहा है, तो सर वो एक ना पैटर्न बनाएंगे तो हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जाम्बिया है, जाम्बिया की जो राजधानी है वो है लुसाका, लुसाका लुआंडा दोनों साथ साथ जुड़ रहे हैं। तो पैटर्न देखो, पता क्या पैटर्न बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाओगे तभी अपना काम चलेगा, उसके अलावा काम नहीं चलने वाला दोस्त। तो वापस आ जाओ मैप के ऊपर, ये मैंने जो आपका मैप बनाया हुआ है हमारा जो मैप होता ना गूगल मैप उसकी तरह, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना बॉर्डर, बॉर्डर आपको बहुत ही क्लीन दिख रहे हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, आपको पता है कि बेसिकली कौन सी कंट्री किसके साथ टच हो रही है, किसके साथ टच नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर देखो कि कौन सी कंट्री किसके साथ टच हो रही है, अंगोला ये हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे नामीबिया देखना है, बोत्सवाना देखना है, जिम्बाब्वे देखना है, जाम्बिया देखना है। तो जाम्बिया और अंगोला को देखोगे तो दोनों एक दूसरे के टच कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ कि जब हम अफ्रीका का मैप देखते हैं तो अफ्रीका के मैप के ऊपर जो है ना ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर बिल्कुल सीधे खींच दिए गए। देखो अगर आप बॉर्डर देखोगे ना तो इंडिया यानी दुनिया में अलग अलग कंट्री की तरफ देखोगे तो उनकी बाउंड्री के अंदर जो है पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग दिखेगा। बट अगर आप अफ्रीका में आओगे तो अफ्रीका के अंदर आपको जो पैटर्न दिखेगा ना वो देखो ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधी लाइन खींच रखी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस लिया खींच दिया, बोला ये लो सीधी लाइन, बोला हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, मैं सर मेरे को नामी भी अच्छी ले, यहाँ से एक लाइन खींच दी। आप देखोगे अफ्रीका के अंदर मैक्सिमम कंट्री के साथ एक सीधी लाइन जुड़ रही है, यहाँ पे मोजाम्बी को पकड़ोगे तो देखिए मोजाम्बी के साथ एक सीधी लाइन आ रही है, एक छोटा सा पैटर्न दे रहा है फिर सीधी लाइन जा रही है। तो दरअसल ये जो कुकर्म किए गए हैं ना ये कुकर्म किसने किए हैं, ब्रिटिशर्स ने किए। इस दुनिया में आधी से ज़्यादा समस्या का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो यही क्रांतिकारी ब्रिटिशर्स। आज जो हम लोग अरब इसराइल पढ़ रहे हैं कन्फ्लिक्ट उसमें भी इस बंदे का भारी रोल है, इंडिया में भी कश्मीर को लेकर के हाई कश्मीर उसमें भी इनका ही रोल है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर आज भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो इन ब्रिटिशर्स के ही हैं। और इन्होंने क्या किया है, फिजिकल फीचर के लिए नहीं दोस्त, इनको जल्दी जल्दी में अफ्रीका को डिवाइड करके जाना था क्योंकि अफ्रीका भी इनकी कॉलोनी थी, तो उनको ये ऐसे था कि यार आज नहीं कल करे सो आज कर। इन्होंने शायद इंडिया में है ना ये कहावत ये पढ़ करके गए थे, सीख के गए थे कि कल करे सो आज कर आज करे सो अब जीवन में प्रलय होगी बहुरी करे अगर, बोला जब जल्दी करना है तो मारो। मतलब अगर मैं इंडिया के अंदर जिस तरह से सर सिरिल रेडक्लिफ को भेजूँ फिर जा करके वो डिसाइड करें कि कौन सा हिस्सा इसका ना इंडिया का होगा कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का होगा उसके ऊपर वो माथापच्ची करे, तो इतना माथापच्ची मुझे अफ्रीका पे नहीं कराना। उन्होंने क्या किया, बोला हाँ लेकर क्या हूँ मैं, बोला एक खींचा ये खींचा ये खींचा, बोला मुबारक हो नामीबिया बना, मुबारक हो बोत्सवाना बना। तो आप देखोगे अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा है छीछा लेदर किया यहाँ पे, और उन्होंने जाते जाते जो है इस तरीके से एक लाइन मतलब रैंडम लाइन खींची दी गई है, और रैंडम लाइन कुछ ऐसे ही होती है बिल्कुल, एक लिया एक स्केल लिया खींच दिया बोला दोस्त ये तेरा ये तेरा, ये सारे कुकर्म जो है ब्रिटिशर्स के। चलो बढ़ते हैं आगे सर,
देन नेक्स्ट कंट्री की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट कंट्री का नाम है कॉन्गो। तो देखो यहाँ पे एक कंट्री है जिसे मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। तो कृपया करके आप ये मत सोचना कि सर पॉलिटिकली ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और पॉलिटिकली एक रिपब्लिक कंट्री भी है, ना ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी तानाशाही चलती रहती है, अफ्रीका में ज्यादातर देशों में तानाशाही है। तो सर कॉन्गो के ऊपर, सॉरी जो सॉरी अंगोला के ऊपर जब मैं आऊंगा तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कंट्री दिखेगी कॉन्गो। और कॉन्गो की राजधानी क्या है? कॉन्गो की राजधानी है सर ब्राजाविले। यहां देखो नीचे की तरफ ब्राजाविले, कॉन्गो, कॉन्गो के साथ जो राजधानी दिख रही है आप लोगों को ब्राजाविले दिख रही है। इसके बाद तो इसमें कुछ ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्गो से ऊपर की तरफ जंप मारो तो हम पहुंचेंगे नेक्स्ट कंट्री में जिसका नाम है गबन। गैबन की राजधानी पकड़ो बॉस, गैबन की राजधानी है सर लिब्रविले। तो देखो ब्राजाविले एंड लिब्रविले, तो दोनों का पैटर्न जो है सेम जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको पैटर्न समझना है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो ये चुटकियों में जो है आपके वो एक चुटकी सिंदूर वाली फीलिंग आ जाएगी। दोनों की राजधानी में विले विले आ रहा है, विलेज यानी गाँव। तो दोनों की राजधानी में ब्राजाविले एंड लिब्रविले, ब्राजाविले लिब्रविले, तो पैटर्न दोनों का सेम दिख रहा है। जैसे यहां पर पैटर्न आप लोगों को क्या दिख रहा था, लुसाका लुआंडा, सर पैटर्न सेम है। यहां पर भी पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ब्राजाविले एंड लिब्रविले, पैटर्न सेम दिख रहा है। तो ऐसे पैटर्न को पकड़ो, बहुत इजीली जो है आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूं या मैं सही जा रही हूं। सर इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट कंट्री के ऊपर जंप मारूंगा यहां से नीचे की तरफ, एक तो ऊपर की तरफ है जिसका नाम है कैमरून और उसके पीछे की तरफ है यह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बिल्कुल आप देखोगे अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में, जिस तरह से इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल का देखोगे मध्य प्रदेश को देखो तो इंडिया में ठीक सेंटर में आता है, ये हार्ट कहलाता है इंडिया का। उसी तरीके से अफ्रीका का हार्ट कह लो या अफ्रीका का सेंट्रल पॉइंट कह लो, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। राजधानी क्या है, बेंगुई। राजधानी क्या है, बेंगुई। सर फिर जंप मारेंगे कैमरून में, कैमरून के साथ जैसे ही आप पहुंचोगे बॉस, कैमरून की राजधानी आपको क्या मिलेगी, योंदे। कैमरून की राजधानी क्या मिलेगी, योंदे। देखो राजधानी जरूर याद रखना है क्योंकि मैच इन द फॉलोइंग में जज्बाती सवाल आ जाते, राजधानी नहीं मतलब तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए पूरा जोर लगाया जा रहा है आपको कि भैया पहले फिजिक, पहले पॉलिटिकली समझो कि पॉलिटिकली उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी करेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम लोग इनकी राजधानी करेंगे। राजधानी तो पता होनी चाहिए, इवन जो मेंस वाले हमारे टॉपिक चले हैं उस मेन वाले टॉपिक में भी कई बार इन राजधानियों ने आपको तंग किया, जिन्होंने वो सेशन लिया है उनको पता चल रहा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद डियर जी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ऊपर की तरफ चाड पे। तो चाड की तरफ देखोगे तो सबसे पहले यहां पर एक लेक दिखेगी, चाड लेक, चाड, इसके बारे में हम करेंगे थोड़ी देर में बात। यहां पर एक राजधानी देखो दिख रही है आप लोगों को, जामीना। देखो एनडी को साइलेंट कर दो, जामीना बोल दो। अब ऐसे भावनाओं में बह के जाओगे तो फिर वो जज्बाती हो जाएगा और फिर वो न था जामीने, ऐसा नहीं करना, अपने को अमेरिकन इतना भी नहीं बनना। तो जामीने साइलेंट कर दो एनडी को, एंड दैट इज द जमेना। तो जमेना आपकी राजधानी होगी चाड की, और लेक भी है, लेक की इंपॉर्टेंस है, इस ऐसे लेक के आने की जो संभावना है कुछ ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो लेक है समय के साथ सिकुड़ रही है, और यूपीएससी जज्बाती होता है हमेशा ऐसे लेक की तरफ जिसकी जो एग्जिस्टेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो सूख रही है, क्योंकि सेंटर में है और सहारा मरुस्थल के पास है, एवोपोरेशन रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये सूखेगा, तो इसलिए इसकी जो आकृति है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। और इसलिए यूपीएससी को ना, ये यूपीएससी को लगता है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी चीज़ें घट रही हैं, सिकुड़ रही हैं, कम हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो वो मेरा प्राइम कंसर्न है कि मैं दुनिया को अवगत कराऊं कि यूपीएससी के बागड़ बिल्लों देखो दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के कितने कितने इश्यूज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की पूछने की संभावना तो बनती है। ठीक है, बाकी तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, ऑब्वियसली ये नहीं पूछेगा बताओ लेक चार्ड कहाँ है, क्योंकि तो नाम में ही आंसर आ रहा है, वो पूछेगा किन किन कंट्री के साथ ये जुड़ता है, किन किन कंट्री के साथ जो है लेक चाड अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। यहाँ पर चाड आपको कंट्री दिखी रही है, साथ में कौन सी कंट्री दिख रही है, नाइजर। इसके बाद कौन सी कंट्री दिख रही है, नाइजीरिया। नीचे कौन सी कंट्री दिख रही है, कैमरून। तो चार कंट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है, मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद जंप मारेंगे चाड के बाद नेक्स्ट कंट्री की तरफ, नेक्स्ट कंट्री है सर नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामे। तो यहाँ देखना आपको एक नाइजर है, नीचे की तरफ जो है वो है नाइजीरिया, एक नाइजर है और एक नाइजीरिया। तो नाइजर की राजधानी नियामे है और नाइजीरिया की राजधानी जो है वो है आपकी अबुजा। अबुजा याद करो, वो जुबा। जुबा किसकी राजधानी है, साउथ सूडान की, और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा। तो ये आपको देखना है अबुजा। ठीक है, तो यहां पे दो पोर्ट को समझो दोस्त। यहां पे एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट हारकोट,
और यहाँ पर एक और पोर्ट है जिसका नाम है लागोस। तो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं या दो पोर्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, एक है लागोस और एक आपका दिख रहा है यहाँ पे पोर्टोनोवो पे, नहीं जाना कहीं आपको जाना, पोर्टोनोवो है राजधानी किसी और की बन जाती है। नेक्स्ट कंट्री की तरफ टर्न करोगे या जंप मारोगे तो नेक्स्ट कंट्री है बेनिन, और बेनिन की जो राजधानी है वो पोर्टोनोवो है। हम सिर्फ यहाँ पर फोकस करेंगे, स्टार तक नहीं जाना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लागोस प्लस पोर्ट हारकोट, ये दोनों के दोनों फेमस पोर्ट हैं किसके, नाइजीरिया के, क्योंकि यहाँ से एक नदी जा रही है जिसका नाम है नाइजर रिवर, और नाइजर रिवर आगे बढ़ेगी डेल्टा बना रही है देखो, और जहाँ डेल्टा बना रही है उसके पास जो पोर्ट सिटी है पोर्ट हारकोट, ये ठीक वैसा ही है, रिवर नाइल जा रही थी, रिवर नाइल का डेल्टा बना था, उसके पास पोर्ट सिटी कौन सी थी सर, अलेक्जेंड्रिया। तो ये चीजें फटाफट रिकॉल करने की हैं। तो दो पोर्ट आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ूंगा। तो यहां पर आपको याद रखना है जीटीबी, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हैं उनको जीटीबी नगर समझ में आया होगा, कभी भी ऑफलाइन का जो तूती बोलती थी ना यूपीएससी, तो वो इसी जीटीबी नगर में बोलती थी। तो गोविंद तेग बहादुर जो है हमारे, उन्हीं के नाम से जीटीबी याद रखना अपने को। तो इस जीटीबी नगर, दिल्ली के जीटीबी नगर से जीटीबी अगर आप पकड़ लिया तो दोस्त आपने तीनों कंट्री पकड़ ली। जी का मतलब घाना होता है, टी का मतलब टोगो होता है, बी का मतलब बेनाइन होता है। तो आप देखोगे तीनों कंट्री बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब एक तरीके से ये समझ लो तीन ब्रेड के टुकड़े एक साथ फंसा दो, तो पहला ब्रेड का टुकड़ा जो है वो घाना हो जाएगा, दूसरा ब्रेड का टुकड़ा टोगो हो जाएगा, और तीसरा ब्रेड का टुकड़ा बेनाइन हो जाएगा। तो आप पीछे से स्टार्ट करो, घाना से स्टार्ट करोगे तो घाना की जो राजधानी है आपको यहाँ दिख रही है अकरा, ठीक है, घाना की जो राजधानी दिख रही है वो आपको दिख रही है अकरा, बाकी तो कुछ है नहीं। लेक वोल्टा के ऊपर बात करेंगे हम आगे। उसके बाद सर घाना के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कंट्री है टोगो, जी टी टी बात टोगो। टोगो की राजधानी क्या है दोस्त, लोमे, टोगो लोमे, टोगो लोमे, टोगो लोमे, बस खत्म सर। उसके बाद बिनाइन, बिनाइन की जो राजधानी आपको दिख रही है वो कौन सी दिख रही है, पोर्टो नोवो, बिनाइन पोर्टो नोवो, बिनाइन पोर्टो नोवो, काम खत्म। इसके बाद अपने वो कुछ याद रखना। तो तीन कंट्री यहाँ पर आपने कौन कौन से देखी, घाना, अक्रा, उसके बाद कौन सी है टोगो लोमे, फिर बिनाइन, फिर कौन सी है पोर्टो नोवो, खत्म। हाँ बिल्कुल अमरीश चंचल जी, लेकिन है ना अपने को इधर जाना नहीं है, ये पीछे की तरफ है ना, अपन को जाएंगे नहीं, मतलब ये कंट्री अपने को करनी ही नहीं है, इनकी बोल बच्चनगिरी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो करना है उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। इन तीनों कंट्री के ऊपर आपको एक कंट्री दिखेगी बुर्किना फासो। मैं आपको बता दूँ बुर्किना फासो में शायद इतना इंपॉर्टेंट कुछ ना हो जो इसकी राजधानी में हो। आप देखो राजधानी बड़ी अजीब है, वागादुगू, उगाडुगू बोल लो, वागादुगू बोल लो। तो ये राजधानी जो है ना मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि टीवी पे एक है ना, मैं जब छोटा था, मतलब आप बहुत छोटे हो रहे होंगे ऑब्वियसली, मैं खुद छोटा था उस समय, जो टीवी पे कुछ ऐड आते थे उस ऐड के ऊपर जो है ना एक बच्चा की इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये बोर्नविटा पियो, देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है। उस टीवी पे ये दिखाया जा रहा है कि देर इज ए कंट्री एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज बर्किना फासो एंड द कैपिटल इज वागाडुगू। तो ऐसे नाम तो उस समय लोगों ने सुने भी नहीं थे कि भाई ऐसी कोई कंट्री की कोई राजधानी भी हो सकती है वागाडुगू। हालांकि इससे ऊपर लेके चलूँ तो कई बार कुछ फिल्मों में आप लोग पढ़ते हो कि भैया ज़्यादा बकवास ना कर, तेरे को टिम्बकटू भेज दूंगा। अब टिम्बकटू कहाँ है ना, यही है। स्वैग था कीर्ति उनका अपना। देखो कुछ तो उन्होंने बांट दिया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने भी बांट दिया, कहीं पे भी सर ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के अकॉर्डिंग बट गए, कहीं पे अपने ज्योग्राफी का इशू था उस हिसाब से बट गए। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने सारी कंट्री बांटी थी, तो उनके छोड़ने के बाद ओवर द टाइम भी कुछ, अब जैसे ना इंडिया पाकिस्तान बट गया, बोला भाई मैं हिंदू मैं मुसलमान, उसी तरह से कुछ कंट्री ने कहा कि भाई मैं बुशमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं बेदुइन हूँ, तो भाई मैं अलग हो जाता हूँ, तो उस तरीके से भी अलग हो गए, है ना। वो भी देखना, तो सब कुछ नहीं किया, कुछ कुछ इन्होंने भी किया। जैसे सूडान, बिल्कुल अभी सूडान से एक नई कंट्री निकली है साउथ सूडान, तो वहां पर आप देखोगे माली में है टिम्बुक्टू। नहीं दोस्त, माली के साथ, सॉरी अर्चना, नहीं डियर जी, माली के साथ साथ अभी एक कंट्री और है, वहां पे भी आपको टिम्बुक्टू दिखेगा। तो एक्चुअली रियल टिम्बुक्टू यहाँ पे फेमस है। वैसे तो अमरीश जी सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि मैक्सिमम करना है हमें, एक वर्ड आता है ना, इट्स नॉट अ मैक्सिमम, इट्स अ मैक्सिमा।
हमारी जो टेंडेंसी रहनी चाहिए ना वो मैक्सिमा रहनी चाहिए, तो मैक्सिमा कर लो वो फायदेमंद है। अब हम कहेंगे कि नहीं इक्वेटर वाली ही कंट्री जो है हमारे काम आने वाली है, तो दोस्त ऐसा भी नहीं है कि भाई यही आएगी, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो इक्वेटर के साथ टच कर रही है। तो इसमें आपको ना ट्रिक बनाना है। अब ऐसा मत सोचना कि सर है ना बैठे हैं वो जो है सब कुछ करवाएंगे। देखो दोस्त यहाँ पर एक कंट्री दिख रही है आप लोगों को, इस कंट्री का क्या नाम है? सर गैबन। गैबन के साथ कौन सी कंट्री जुड़ रही है? सर कॉन्गो। उसके बाद कौन सी कंट्री जुड़ रही है? कोंगो। उसके बाद कौन सी कंट्री जुड़ रही है दोस्त? सर यहां पर अगर आप देखो ना एक लेक है, लेक के अंदर से भी जा रही है ये, तो लेक का नाम क्या है? सर लेक का नाम है विक्टोरिया। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। यहां पर ऊपर की तरफ कंट्री कौन सी है? युगांडा। युगांडा के साथ कौन सी कंट्री है? केन्या। और केन्या के साथ कौन सी कंट्री है? सोमालिया। तो दोस्त ट्रिक बनाओ कि इक्वेटर के ऊपर कौन सी कंट्री आती है, ऐसे ट्रिक बनाओ, आइडिया लग जाएगा, बात खत्म, बोल बच्चनगिरी खत्म हमारी। ठीक है, इसमें अगर सबसे फेमस अगर कुछ करूं तो लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के ऊपर से जो है आपकी बीच में से नहीं, लेक विक्टोरिया को टच कर रही है आपकी इक्वेटर की लाइन, ये ध्यान रखना। तो बुर्किना फासो, बुर्किना फासो की राजधानी वागाडोगो। तो इस तरह की जो राजधानियां हैं जो बड़ी अजीबो गरीब हैं वो आपको भी थोड़ा सा मजे देती हैं कि हाँ यार देर इज समथिंग आई न्यू, यहाँ पे कोई कंट्री ऐसी है जिसकी राजधानी ऐसे है अजीबो गरीब, उनकी राजधानी को मैं समझता हूँ। और फिर है ऊपर की तरफ जब जाओगे बुर्किना फासो से तो एक कंट्री दिखेगी माली। माली की जो राजधानी है वो है बामाको, और इसी की तरफ यहाँ पर एक आपको नाम दिखेगा टिम्बकटू। ठीक है, तो ये टिम्बकटू ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली इसके। हाँ अच्छा, मैं कुछ और ही समझ गया। ठीक है ठीक है अर्चना, बहुत बढ़िया। माली, माली की राजधानी बामाको, और बामाको का जो पॉइंट है वो है टिम्बकटू। अब चलते चलते हमें यहाँ पर दो पॉइंट पढ़ने हैं, ये है लिबेरिया और ये है कोट दी आइवरी। दो पॉइंट देख करके खत्म करना है, यानी इसके ऊपर वाले हिस्से हमें नहीं पढ़ने। और ये भी क्यों पढ़ने हैं मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर कोट दी आइवरी करोगे, कोट दी आइवरी की जो राजधानी है वो आपको दिख रही है यामोसुकरो। तो जिस तरह से वागाडोगो है उसी तरह से यामोसुकरो है, थोड़ा सा एकदम वो अंदर से है ना वो करंट सा लगता नहीं कि हाँ यार मतलब थोड़े अजीबो गरीब नाम भी हैं, अच्छे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है भाई। आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है सर, है ना। यामोसुकरो, तो आपको यामोसुकरो याद रहे ना रहे दोस्त, आपको ना अबिदजान जरूर याद रहना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से पोर्ट सिटी हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक पोर्ट सिटी है दोस्त जिसका नाम है अबिदजान। बकायदा यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन किया भी गया है। मेंस, मैं मेंस की बात कह रहा हूँ, जो ज्योग्राफिकल ऑप्शन है उसमें प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए अबिदजान कहाँ दिखेगा आपको। सर अबिदजान मुझे कहाँ मिलेगा? कंट्री है, द नेम ऑफ द कंट्री इज कोट दी आइवरी। आइवरी यहाँ पे अगर आइवरी देखो ना, तो आइवरी क्या होती है? जो हाथी दांत होते हैं। तो पढ़ने इसलिए नहीं है डियर क्योंकि आते नहीं है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, उनको अपने लोग ही नहीं पूछते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे काम का नहीं, इसलिए यूपीएससी का काम का नहीं। तो ये चार पांच कंट्री हैं, एक्स्ट्रा अगर मेहनत करना है कि नहीं सर मेरे को तो पूरे के पूरे अफ्रीका के याद रखने हैं तो कर लेना, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, वो बेचारे खुद ही, उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमारा अस्तित्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर जी आपको अबिदजान पोर्ट सिटी है, कोट दी आइवरी, आइवरी में आइवरी आ रहा है, आइवरी मतलब हाथी दांत। एक समय था जब ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पर हाथी दांत की जो है तस्करी की जाती थी, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था कह लो, कि इसी वजह से इसका नाम पड़ा है आइवरी कोस्ट। अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ बड़े लिखा गया आइवरी कोस्ट। तो यहीं पे आपको चार कोस्ट दिखेगा, एक कोस्ट दिखेगा आप लोगों को ग्रेन कोस्ट, एक दिखेगा गोल्ड कोस्ट, एक दिखेगा स्लेव कोस्ट और एक दिखेगा आइवरी कोस्ट। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना गिग्स से, गिग्स जैसे गैग्स होता है वैसे से गिग्स होता है ना। तो गिग्स में पहला जो जी आएगा उसको आप लोग ग्रेन कोस्ट कहोगे, आई का मतलब आइवरी कोस्ट, जी का मतलब गोल्ड कोस्ट और एस का मतलब स्लेव कोस्ट। तो ये जो डियर जी आपका ना घाना वाला जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को आप लोग गोल्ड कोस्ट का नाम दोगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पे कोट दी आइवरी के ऊपर की तरफ, इसका नाम है सर लिबेरिया। लिबेरिया को आप नाम दोगे ग्रेन कोस्ट के नाम से, आई हमारा आइवरी कोस्ट होगी ये वाली। और इसके बाद ये नाइजीरिया का जो हिस्सा दिखेगा आपका, कैमरून वाला हिस्सा, नाइजीरिया वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा स्लेव कोस्ट। गिग से याद रखना आपको, गिग्स का मतलब यहाँ पर चार तरह के कोस्ट दिख रहे हैं आप लोगों को। लिबेरिया से स्टार्ट करना है, लिबेरिया कहाँ है इसकी राजधानी भी पढ़ लो, यहाँ पे देखो लिबेरिया। लिबेरिया आया नहीं क्या? नहीं, काट दिया। चलो लिबेरिया आया नहीं, तो लिबेरिया यहाँ पे है, लिबेरिया की राजधानी समझ लो।
लिबेरिया की राजधानी है। और इसके मोनोवोरिया, लाइबेरिया, मोनोवोरिया। तो अगर आप देखोगे दोस्त या डियर जी या बच्चा स्टूडेंट क्रांतिकारी बागड़ बिल्लो, लाइबेरिया जो है ये आपकी जो है गिग्स से आपको याद रखना है, क्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट एंड स्लेव कोस्ट, गिग्स। तो ये चार कोस्ट जो हैं इस रीजन के अंदर, मोनरोविया, हम माफी चाहूंगा या मोनरोविया, मुझे भी लगा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मोनरोविया। ठीक है चलो, ये लाइबेरिया की राजधानी, चलो खत्म करें। तो सर ये वाले हिस्से आपको इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि कालांतर में जब अंग्रेज यहां पे होते थे तो उस समय यहां पर एक्सपोर्ट होता था। एक हिस्सा ऐसा है जो लाइबेरिया वाला हिस्सा है, उस साइड से जो आपका ग्रेन है वो सर एक्सपोर्ट होता था, अनाज जो है लादे जाते थे पोर्ट्स के ऊपर और फिर ये एक्सपोर्ट किए जाते थे वर्ल्ड में। उसके बाद सर कोट दी आइवरी में आइवरी आ जाता है, तो आइवरी कोस्ट के नाम से फेमस है। उसके बाद ये जो घाना, टोगो और बिनाइन के रीजन है ये सर फेमस हैं गोल्ड कोस्ट के नाम से, क्योंकि गोल्ड की तस्करी होती थी यहाँ पे, या गोल्ड जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। और उसके बाद ये जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया तो यार ध्यान ही रख लो कि काफ़ी फेमस है। एक तो ये यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नाइजीरिया नदी, उसी के नाम से इस कंट्री का नाम नाइजीरिया आया है। और नाइजर रिवर को नाइजीरिया मतलब नाइजर रिवर, और फिर नाइजर रिवर पे को एक ऑयल रिवर भी कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका से जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो नाइजर रिवर से ही होती है, तो इसलिए नाइजर रिवर को ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त यहाँ पर कभी एक्सपोर्ट भी होता था, इस रिवर के थ्रू आते थे हम लोग, और जो स्लेव होते थे, जो अफ्रीकन स्लेव होते थे, उन अफ्रीकन स्लेव को यहीं से उठा करके अमेरिका और जो ब्रिटेन वाले साइड है वहाँ ले जाया जाते थे। प्रतीक्षा दी देखो चार कोस्ट हैं यहाँ पे और बहुत फेमस कोस्ट हैं, उसको याद रखने का तरीका अपना है गिग्स, गिग्स से याद रखना है। यहाँ पे जी का मतलब हो जाता है आपका ग्रेन कोस्ट, ग्रेन मतलब अनाज, यानी अनाज जो है यहाँ पर लादे जाते थे, यहाँ टोटली ग्रेन ही ना और चढ़ाए जाते थे जहाजों में। आई का मतलब हो जाता है आपका आइवरी कोस्ट, यहाँ पर हाथी जो दांत होते थे, क्योंकि अफ्रीका में एक समय बहुत दांत हाथी होते थे, और हाथी दांत की जब इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इससे ऑर्नामेंट बनते हैं, इससे कंगन वगैरह बनते हैं, चूड़ियाँ बनते हैं, तो जो भी बनेंगे उस आइवरी को लेकर के उसकी तस्करी शुरू कर देंगे। जी का मतलब होता है गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड के जो माइंस हैं वहाँ से गोल्ड निकाल करके ये ब्रिटिशर्स अपने देश में भेजते थे। और एस का मतलब होता है यहाँ पे स्लेव, यानी गुलाम। और आपको भी पता है कि दुनिया में अगर गुलामी सबसे ज़्यादा कहीं या किसी के द्वारा करवाई गई है तो ये ब्रिटिशर्स लोग थे, अमेरिकन लोग थे, ये लेकर के गए हैं इन स्लेव्स को। कौन से स्लेव्स को? अफ्रीकन स्लेव्स को। अफ्रीकन स्लेव्स, अब दिमाग में अगर आपके ना मेंटोस जिंदगी वाली बत्ती जली होगी, अब खुद सोच के देखो कि अफ्रीकन को क्यों स्लेव्स बनाया जाता था, प्लस अफ्रीकन के साथ साथ इंडियंस को क्यों स्लेव बनाया गया, यानी इनको गुलाम के जीवन क्यों दिया गया, अफ्रीकन को क्यों स्लेव बनाया गया, इंडियंस को क्यों स्लेव बनाया गया। अगर आप देखोगे इतिहास में तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि अफ्रीकन सबसे ज़्यादा स्लेव बनाए गए थे। हालांकि इंडियंस को तो मतलब वो नहीं, हथेली पे चांद दिखाया दिया जाता था कि यार चलो तुम्हें मैं उस देश में लेके चलूंगा, हैं तारों के देश में ले चलूँगा तुम्हें, तारों के देश में। तो भाई इंडियन भी चलो यार एक अच्छे जीवन जीविका को देखने के चक्कर में वो निकल जाते थे, फिर वहाँ पता चल जाता था कि उनका एक्सप्लोटेशन अच्छा खासा हो रहा है। खासकर कैरिबियन कंट्री की तरफ जाओगे तो इंडियन की जो है भरमार पड़ी है। और अफ्रीकन जो है आज अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर तो जो अफ्रो अमेरिकन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, अफ्रो मतलब अफ्रीकन जो ओरिजन है। तो आप देखो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुए हैं पहले डोनाल्ड ट्रम्प से पहले, बराक ओबामा जी, उनका खुद का उनकी जो पेरेंट्स का जो ओरिजिन है वो अफ्रीकन था। और मैं आपको एक फिल्म का नाम दूंगा जिसने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, सॉरी नोबेल प्राइज़ कह रहा हूँ, ऑस्कर भी जीता है, जिसका नाम है 12 Years a Slave। अगर आप ये ने मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। इस 12 Years a Slave में आपको जो दास्तान दिखेगी कि कैसे एक अफ्रो अमेरिकन जो है उसको स्लेव बना दिया जाता है जबकि वो बहुत अमीर है। हाँ अपार्टाइड कह सकते हो, रेक्सिज्म कह सकते हो। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि सर इंडिया के अंदर रिजर्वेशन है, बहुत पंगे हैं, ये है वो है। अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर भी रिजर्वेशन है, अमेरिका के अंदर भी इसी तरह से डार्क एंड फेयर लोगों के हिसाब से भी रिजर्वेशन बनाया गया है। तो जो अफ्रीकन लोग हैं उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया अफ्रीका के अंदर। अगर आपने जितनी भी अमेरिकन मूवी देखनी है, जितनी भी अमेरिकन मूवी आ रही है, किसी भी अमेरिकन मूवी के अंदर आप एक ऐसा एक्टर जरूर देखोगे जो बेसिकली डार्क होगा। वहां पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री जहां से
मतलब पूरी की पूरी जो सिनेरियो चेंज हो सकती है वो अगर मुझे देखनी है, तो दोस्त उस देखने को उसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, हॉलीवुड की फिल्में देखने, मतलब उनको बढ़ाने के लिए, डार्क लोगों को या एफ्रो को अमेरिकन्स को समाज में इक्वलिटी देने के लिए, इक्विटी देने के लिए मुझे उसको भी रिजर्वेशन देना है। और अमेरिकन मूवी ये एक बहुत बड़ा, मतलब इवन केस भी हुआ था, केस कुछ तो नहीं जाते, उस केस का जो रिजल्ट है मैं वो बता देता हूँ कि अमेरिकन मूवी के अंदर एक भी ऐसी फिल्म आप बता दो जिसमें आप एक बंदा जो है उस मूवी के अंदर आपको डार्क पर्सन दिखेगा ही दिखेगा, वहां पे रिजर्वेशन है, ये आपको मूवी के अंदर एक रिजर्व बंदा लेना ही पड़ेगा आपको। तो जो हाल फिलहाल मूवी आई है, हाँ, चाहे वो पीछे चले जाओ, चाहे बड़ी से बड़े लेवल की फिल्में देख लो, आपको एक डार्क पर्सन दिखेगा ही दिखेगा। तो 12 ईयर्स ए स्लेव देखो तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली स्लेव की क्या सिचुएशंस होती थी उस समय उन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ एक चाड़ की राजधानी हम शायद मिस कर गए थे, तो उसका नाम मिस नहीं किया था, शायद कर लिया था, यहाँ पे देखो जामेना, ठीक है। तो वो नजामेना कह लो या जमेना, विल स्मिथ कह लो, हाँ बहुत है बच्चे, बहुत है, मतलब लिस्ट ले लोगे तो बहुत सारा आपको आंसर मिलेगा, बहुत है आपको, बहुत मिलेंगे। चलो तो क्लियर है दोस्त, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई हमारी। दोस्त अगर कहानी क्लियर हो गई, चलो फटाफट करते हैं सर, 27th नंबर की कंट्री कौन सी है? अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। बहुत बढ़िया। 27th के बाद 28th नंबर की कंट्री कौन सी है? सर यहां देखो, 22वां नंबर कंट्री कौन सी है? सर यह है DRC, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसके साथ कंट्री कौन सी जुड़ेगी? कॉन्गो। कॉन्गो की राजधानी क्या है? ब्राजीलविल या ब्राजाविल। इसकी राजधानी क्या है? ब्राजाविल। ब्राजाविल के साथ मैंने क्या बताया था, इसका पैटर्न समझो, यहां विल है तो आगे गेबन की राजधानी लिब्रविल मिलेगी, तो लिब्रविल हो गया हमारा। ऊपर बढ़ेंगे सर, यहाँ पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी क्या है? बेंगुई। और इसके साथ जो कंट्री है वो कौन सी है? कैमरून। कैमरून की राजधानी क्या है? यौंदे। तो यौंदे बेंगुई, यौंदे बेंगुई। उसके बाद सर ऊपर बढ़ेंगे, चाड। चाड की राजधानी क्या है? कंट्री को नंबर कितना हो गया? 28। ये 29, ये 30, ये 31, 32 पे पहुंचो। राजधानी कंट्री कौन सी? चाड। चाड की राजधानी क्या है सर? जमाने। जमाने न जमाने कह लो, जमाने कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजरा गुजरा हुआ जमाना। 32 नंबर। 33 नंबर पे पहुंचो, कंट्री कौन सी है सर? नाइजर। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। 34 नंबर पे पहुंचो, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। उसके बाद 35 नंबर पे पहुंचो, कंट्री कौन सी है? माले। माले की राजधानी क्या है? बामाको। 36 नंबर पे पहुंचो, राजधानी क्या है, सॉरी कंट्री का है? बुर्किना फासो। राजधानी क्या है? वागाडुगू। उसके बाद 37वें नंबर पे पहुंचो, कंट्री का नाम क्या है? लिबेरिया। राजधानी क्या है? मोनरोविया। 38 नंबर पे पहुंचो, कंट्री कौन सी है? कोट दियावरे। राजधानी क्या है कोट दियावरे की? यामुसुक्रो। 39 नंबर, GTB, यहाँ पर आपको याद रखना है, GTB, तो जी मतलब घाना। घाना की राजधानी क्या है? सॉरी 40 नंबर हो गया ना, 39, 39 नंबर। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। अक्रा के बाद सर टोगो। टोगो की राजधानी क्या है? लोमे। 41। उसके बाद कौन सी कंट्री है? बी बनाइन। बनाइन की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो। बनाइन की राजधानी क्या है? पोर्टो नोवो। इसमें और कुछ रह गया क्या दोस्त? इसमें कुछ रह गया? नहीं सर। तो हमने 41 जो है वो कंट्री देख ली, 41 कंट्री को देख लिया, बाकी छोड़ दो, करना है तो घर जा करके बैठ करके एक बार रिवीजन मार लेना, बाकी यहां पर दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बामाको नोट, बमारो, इट्स ए बामाको। सर ये हो गया हमारा, तो आपको मैंने बताया है कि यहां पर लैंड लॉक्ड कंट्री है मित्र, और लैंड लॉक्ड कंट्री में आपको कितने लैंड लॉक्ड कंट्री दिखेगी? लैंड लॉक्ड कंट्री को पकड़ो सर, लैंड लॉक्ड कंट्री के अंदर एक तो लैंड लॉक्ड कंट्री मुझे दिखेगी यहां पर साउथ सुडान, दूसरा सर मुझे दिखेगा इथोपिया। ऊपर की तरफ से स्टार्ट करूं तो यहां पर सर माली जो है वो भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, नाइजर लैंड लॉक्ड कंट्री है आपकी, उसके बाद बर्किना फासो लैंड लॉक्ड कंट्री है हमारी, देन चाड यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है, देन सॉरी ये नहीं है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन रिपब्लिक ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, देन 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 सर यहाँ पे 8th नंबर पे ये हमारी जो युगांडा है वो लैंड लॉक्ड है,
नाइन्थ नंबर रवांडा, टेंथ नंबर बुरुंडी, इलेवेंथ नंबर मालावी, ट्वेल्थ नंबर जाम्बिया, थर्टीन्थ नंबर जिम्बाब्वे, फोर्टीन्थ नंबर जाम्बिया सॉरी बोत्सवाना, फिफ्टीन्थ नंबर लिसोथो, सिक्सटीन्थ नंबर इस्तवानी। खत्म सर। गिनी, इट्स नॉट गिनी, इट्स अ गिनी। हाँ डियर जी, मैंने वही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो। गिनी, गिनी बिसाउ, जो पढ़ना है वो यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ गिनी है, गिनी के ऊपर गिनी बिसाउ दिखेगा, देख लो। ठीक है, बस। तो इसका मतलब है कि अगर पूछा जाए कि बताओ कितने आपके पास टोटल लैंडलॉक्ड कंट्री है, 16, तो इन टोटल लैंडलॉक्ड कंट्री की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना ली होगी आप लोगों ने, और फिर इनकी राजधानी पक हमने देख ली है, बाकी फिजिकल मैप पे जो है बोल बच्चनगिरी वो हो जाएगी। यहां तक हो चुकी है भावनाएं क्लियर अपनी? गिनी बिसाओ बेटा यहां पे भी एक गिनी, गिनी बिसाओ यहां पे भी है, ये गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा दिखेगा आपको। नहीं कीर्ति, किसने कहा कि डीआरसी लैंडलॉक्ड कंट्री? यहां देखो, ये वाला हिस्सा देखोगे तो आपको खुला हुआ दिख रहा है, समुद्र से जाता हुआ दिख रहा है ये। ठीक है, मैं मैप दिखाता हूं आपको। ये देखो कहाँ है प्रभु, तो कहाँ गए आप? आराम से आराम से आराम से, मैं भी पूरा जज्बाती हो रहा है। ये देखो, अगर आप देखोगे, नहीं इसमें नहीं दिखेगा, मैप कहाँ है, मैप कहाँ है, ये देखो। तो ये देखो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है बॉस, यहाँ पे देखो तो छोटा सा पिचकू हिस्सा दिख रहा है जो समुद्र के साथ जा रहा है। तो ये मैंने बोला था ना आप लोगों को कि ये पासवे दिखेगा आपको। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सर ये तो होगी हमारी कहानी खत्म, कि एक कंट्री है, कंट्री की राजधानी है, राजधानी के साथ कुछ ऐसी भी हैं सिटी जो पोर्ट सिटी हैं, वो भी हमने देखा। ठीक है, उसकी भी रिवीजन हम लोगों ने कर ली। चलो चलो वापस पकड़ो, मोरक्को रिवीजन हो रही है हमारी। सर यहाँ पे पोर्ट सिटी, राजधानी नहीं करेंगे, पोर्ट सिटी करेंगे। टेंजियर, रबात, कैसाबलांका, तीन सिटी हैं, ये कौन सी हैं? पोर्ट सिटी है। सर बढ़ेंगे आगे, अल्जीरिया, अल्जीरिया के पास अल्जीरिया, अल्जीरियस पोर्ट सिटी है। यहाँ पर कौन सा सी था? सर सी, यहाँ पर सी का नाम बताओ, सी ऑफ एल्बोरान। चलो बढ़े आगे, उसके बाद टूनिशिया, टूनिशिया में यहाँ पर आपको टूनिस दिख ही रहा है। उसके बाद सर बढ़ेंगे लीबिया, त्रिपोली, दो यहाँ पर पोर्ट सिटी है, मिसराता और बेनगाजी। ठीक है, और गल्फ ऑफ सिद्रा, इसी त्रिपोली के पास यहाँ पर एक रीजन है अलजीजिया। अलजीजिया में हमने क्या पढ़ा था कि हॉटेस्ट रीजन है। उसके बाद सर इजिप्ट में पढ़ेंगे कैरो, राजधानी थी, पोर्ट सिटी है इसकी अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला के तीन हिस्से वगैरह बोल बच्चन गिरी। यहाँ पर चार लेक थे आपके, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लेक तिमशा और लेक मंजीला। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे सर एरिटेरिया की तरफ। एरिटेरिया की तरफ पोर्ट सिटी है मसावा, आर्किपेलेगो, दहलेक आर्किपेलेगो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर सूडान पे, सूडान दो है यहाँ पे, नॉर्थ सूडान और ये है साउथ सूडान। तो नॉर्थ सूडान की तरफ जाओगे आप लोग तो खार्तूम, और उसकी जो पोर्ट सिटी है यहाँ पर पोर्ट सूडान के नाम से ही फेमस है। इसका मतलब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। जिबूती, जिबूती का यहाँ पर जिबूती है, यहाँ पे खत्म करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको एक लेक दिख रही है। अब हमारा फिजिकली मैप स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हम लेक कर रहे हैं, तो इसमें लेक दिख रही है आपको। लेक यहाँ पर है जिसका नाम है लेक असल, हो सकता है मैप में ना दिखे किसी दूसरे मैप में, बट यहाँ देख लो आपको जो सूडान दिख, जिबूती दिख रहा है, इस जिबूती पे आपको एक लेक दिख रही है, उस लेक का नाम है लेक असल। वो पर्टिकुलरली कहाँ है? वो जिबूती कंट्री के ही अंदर है। तो यहाँ पर सर एक स्टेट है जिसका नाम है बब अल मंदाब स्टेट, जो यमन और जिबूती को अलग करता है। देन इथोपिया, इथोपिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लैंडलॉक्ड कंट्री में, इसकी राजधानी हमने देख ली इतिस अदिस अबाबा। बाकी कुछ बोल बच्चन गिरी करनी है वो नेक्स्ट मैप में हम देख लेंगे। सोमालिया में आ रहे हैं सर, सोमालिया में एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बरबेरा। ठीक है, बरबेरा, और थोड़ा बहुत हल्का बहुत अगर करना है तो किस्मायो, वो चलते चलते कर देना है, बात खत्म। हाँ जिबूती, जीवेश सिंह क्या एक्सप्लेन करना है? चलो
उसके बाद केन्या, केन्या के राजधानी, यहां पर आपको दो पोर्ट सिटी मिलेगी, मुंबासा एंड मालिंदी। के मुंबासा एंड मालिंदी, बढ़ो आगे, फिर ये कंट्री होगी। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, तंजानिया। तंजानिया के साइड पे हमें दो आइलैंड दिख रहे थे, जिसका नाम था पेम्बा, उसके बाद था जंजीबार। एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है दर इस्लाम। कभी दर इस्लाम राजधानी होती थी तंजानिया की, लेकिन आज इसकी राजधानी दोदोमा है। ये याद रखना, पेम्बा, जंजीबार, दर इस्लाम। दर इस्लाम जो है पोर्ट सिटी है, बाकी दो है आइलैंड। और ये जो दो आइलैंड है आपके, ये दो आइलैंड पे आपका दुनिया का 90% क्लोव होता है या लोंग होता है, और ये लोंग की इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे सर युगांडा। युगांडा की राजधानी देख ली, बाकी पोर्ट फोर्ट इतनी सिटी है नहीं। युगांडा पे बात करेंगे तो हम लोग लेक विक्टोरिया के साथ बात कर रहे होंगे इसकी। उसके बाद ये लैंड लॉक्ड कंट्री, इनके तो पोर्ट सिटी होगी ही नहीं। मोजाम्बिक पे आ जाओ, तो मोजाम्बिक की जो राजधानी है वही आपकी इसकी पोर्ट सिटी भी दिखेगी, मापूतो। ये आपको दिख रहा है दोस्त। चलो इसके बाद मालावी, नॉट इम्पोर्टेंट, पोर्ट सिटी है ही नहीं यहाँ पे। लैंड लॉक्ड कंट्री है जाम्बिया, लैंड लॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे, लैंड लॉक्ड कंट्री है बोत्सवाना, लैंड लॉक्ड कंट्री है। नामीबिया की तरफ आओगे तो नामीबिया में पोर्ट सिटी ना कुछ खास है नहीं। अब एक्स्ट्रा करना है तो कुछ भी कर लो, बाकी इसमें पोर्ट सिटी कुछ खास है नहीं, बस एक अपने को याद रखना है इसकी राजधानी, खत्म। बढ़ते हैं आगे, ये हमने कर लिया। देन साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपको पोर्ट सिटी में क्या मिलेगा? डरबन आपका पोर्ट सिटी है, पोर्ट सेट जोन्स है, पोर्ट एलिजाबेथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने को देखना है। इस कंट्री के अंदर दो कंट्री मिलेगी आप लोगों को, स्वाजीलैंड कभी होता था बट आज इसका नाम इस्तवानीलैंड है, या इस्तवानी बोलते हैं इसे हम लोग। और मवाने इसकी राजधानी है, यहाँ पे लिसोथो, उसकी राजधानी आपको दिखेगी मासेरू, ठीक है। दो हिस्से दिख रहे हैं, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका का, और एक है किम्बरले। किम्बरले इज अ फेमस फॉर डायमंड, जोहानसबर्ग इज अ फेमस फॉर गोल्ड। तीन राजधानी दिख रही है, प्रिटोरिया, ब्लोमफंटाइन एंड केपटाउन। यहाँ पे एक दिख रहा है कैप ऑफ गुड होप, कैप अगलुहास। अगलुहास से आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये आपने देख लिया। उसके बाद कंट्री कंट्री अफ्रीका, लिसोथो पढ़ लिया दोस्त, पढ़ लिया। अंगोला, अंगोला की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर एक पोर्ट सिटी दिख रही है जिसका नाम है बेंगुला, और आपको भी पता है कि एक बेंगुला करंट भी है, तो वो बेंगुला करंट का जो नाम है वो यहीं से आया है, बेंगुला करंट। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़े आगे सर। कोंगो, पोर्ट नोएरे, नॉट इंपोर्टेंट। गैबन, नॉट इंपोर्टेंट, नॉट इंपोर्टेंट। पोर्ट सिटी के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं लोग। कैमरून, कैमरून में आपको ये देखो, किसी ने गल्फ ऑफ गिनी की बात की थी, ये देखो गल्फ ऑफ गिनी है यहाँ पे, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट दोस्त। चाड की राजधानी, नॉट इम्पोर्टेंट, लेक को छोड़ करके। नाइजीरिया राजधानी, नॉट इम्पोर्टेंट। नाइजीरिया, घाना, घाना पे आपको एक्रा याद रखना है, वो पोर्ट सिटी है, काफ़ी फेमस है। लोमे, पोर्टोनोवो, बुर्किना फासो, नॉट इम्पोर्टेंट। कोट दी आइवरी, इसके चार कोट्स मैंने बता दिए थे, गिग्स, गिग्स से याद रखना अपने को, ठीक है। चलो यहां कोट दी आइवरी में अपने को याद रखना है, मैंने बताया आपको अबिदजान याद रखना है, ठीक है, अबिदजान। और नाइजीरिया में दो पोर्ट हैं वो याद रखने हैं, वो अनफॉर्चुनेट निकल गए, बस वो याद रखने हैं। चलो तो दोस्त हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, अब हम चलते हैं लेक्स के ऊपर। अफ्रीका के अंदर लेक्स हैं, अफ्रीका के अंदर झीलें हैं, और उनमें काफ़ी मतलब उनकी अपनी खासी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है दोस्त। लेक्स को याद रखना है तो कुछ लेक्स याद रखने, देखो ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो जाओ। एक लेक है जिसका नाम है लेक नासेर, मैं लिख देता हूँ, आइडिया लग जाएगा, लेक नासेर। उसके बाद डियर जी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लेक नासिर के नीचे आप आओगे तो लेक असल लेक है, और मैंने अभी आपको बताया कि असल लेक हो सकता है मैप पे ना दिखे बट ध्यान रख लेना, असल लेक आपको जिबूती में मिलेगा, ठीक है। फिर सर थर्ड लेक है यहाँ पे जिसका नाम है लेक आल्बर्ट। सुनो ऑर्डर ऑर्डर के हिसाब से चलें तो लेक ताना, ठीक है, इथोपिया में मिलेगा। फिर सर एक लेक है जिसका नाम है लेक अल्बर्ट, ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ मैं ऊपर से नीचे की तरफ। अल्बर्ट के नीचे आओगे तो लेक आपको मिलेगा तुर्काना,
ऊपरी मिलेगा, सॉरी लेक एडवर्ड, एल्बर्ट के नीचे एडवर्ड, उसके बाद लेक तांगनिका, अफ्रीका की सबसे लंबी लेक में से आती है ये। फिर उसके बाद लेक मिलेगी आपको लेक मालावी। आप इसी लेक मालावी को आप लोग लेक न्यासा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी की साइड आप जाओगे वेस्ट साइड पे, तो आपको जाम्बिया में एक लेक दिखेगी जिसका नाम है करीबा, लेक करीबा। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर के ऊपर आपका ये लेक बना हुआ है, लेक करीबा। लेक नासेर जो है ये किस नदी पे बना हुआ है, नाइल रिवर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर लेक नासेर है, लेक करीबा है। उसके बाद सर एक लेक है जिसका नाम चाड है, मैंने बताया ये श्रिंक हो रहा है ओवर द टाइम। और फिर एक लेक है जिसका नाम है लेक वोल्टा। तो ये जो लेक वोल्टा है ये भी मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक, MML, मैन मेड लेक, और ये दुनिया के सबसे बड़े लेक में से आता है, और मैन मेड लेक। ये लेक हैं जो फेमस हैं, आपको अफ्रीका में मिलने वाले हैं। इनकी लोकेशन देखोगे तो यहाँ देखो सर, सबसे पहले मुझे आना है लेक नासेर के ऊपर। लेक नासेर कहाँ है, ये मुझे नदी दिख रही है एक जिसका नाम है नील नदी। जैसे मैं इजिप्ट में घुसूंगा, इस इजिप्ट में घुसते ही यहाँ पे उप यहाँ पे मैंने जहाँ गोला लगाया है वहाँ पे है आपका लेक नासेर। और लेक नासेर से जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, एंड दैट डैम इज द असवान डैम। बहुत फेमस डैम है दोस्त, और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है ये। और समस्या कहाँ शुरू होती है, समस्या शुरू होती है यहाँ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो ले चलूँ तारों के शहर में। तारों का शहर कहाँ है, यहाँ पे जिबूती। तो जिबूती पे सर मैंने आपको बताया था कि एक लेक है जिसका नाम है असल लेक, ठीक है, असल लेक। वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप जो एटलस लेकर के बैठे हो उसमें देखो। हाँ वही मैंने कहा, करीबा डैम जो है वो करीबा डैम करीबा रिवर के ही, करीबा लेक के ऊपर ही है, ठीक है, जाम्बेजी रिवर। सर उसके बाद यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है ताना लेक, इथोपिया में। ये देखो यहाँ पे ताना लेक कहाँ है, इथोपिया में। उसके बाद सर नीचे की तरफ आऊँगा मैं तो मुझे लेक दिखेगा तुर्काना भी। यहाँ दिख रहा है इस फिगर में, तो नहीं होगा, नेक्स्ट फिगर में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पढ़ो आगे, फिर बढ़ो चाड़ की तरफ, चाड़ पे लेक चाड़। लेक चाड़ को देखोगे तो ये देखो यहाँ पर लेक चाड़ दिखेगा, इसको मैं जूम कर दूंगा देख लेना। तो लेक चाड़ को देखोगे तो चाड़, नाइजर, नाइजीरिया एंड कैमरून, ये चार कंट्री जो हैं वो इसके साथ टच कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओवर द टाइम सर ये श्रिंक हो रही है, मतलब ये आपको मैप में देखोगे तो ये डॉट डॉट दिखा रखा है, और देखोगे वो डॉट डॉट और फिर आखिरी में एक छोटा सा पिचकू, मतलब डॉट डॉट पे कभी इसका एरिया होता था, आज जो है ये श्रिंक होकर के छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो कभी होती थी आज पानी वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो टच कर रहा है बाउंड्री, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, ठीक है, वो धीरे धीरे श्रिंक हो गया, लेकिन अगर वो टच कर रहा है तो चार कंट्री का नाम आपको लेना है। इसके बाद सर कोट दी आइवरी की तरफ चलना है, यहां पर आपको एक लेक दिखेगी जिसका नाम है वोल्टा लेक, ठीक है, यहां पे आपको चलना है तो नाम लेना है वोल्टा लेक। चलो बहुत बढ़िया है दोस्त, बहुत बढ़िया है फजीराज सर। उसके बाद मैं नीचे की तरफ चलूंगा तो यहां पर एक लेक मिलेगी मुझे, लेक तुर्काना, केन्या की साइड है ना, आप पहुंचोगे तो लेक तुर्काना, ये देखो यहां पे लेक तुर्काना। अब इसको जूम करता हूं ताकि थोड़ा समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ऊपर की तरफ चलेंगे दोस्त, यहां देखो, आई डोंट थिंक कि मुझे ये आपको दिख रहा, दिख भी रहा होगा, बट इतना ही जूम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यहां पे देखो एक झील बन रही है, झील बनाई गई है ये कह लो, और इस झील का नाम जो है वो है आपका नासेर, लेक नासेर। ये मैन मेड है, पहली बात, लेक नासिर जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे आप देखो ये डैम बना हुआ है, दैट इज़ द असवान डैम, दुनिया का सबसे ऊंचे डैम में आता है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम है, पहली बात। सर उसके नीचे की तरफ मैं आऊँगा तो यहाँ पर इथोपिया की तरफ एक लेक दिख रही है जिसका नाम है लेक ताना। ये देखो छोटा सा पिचकू जैसा दिख रहा है आपको, ताना है ना, दांतों की एक शेप जैसी दिख रही है। सर वेस्ट में जब जिबूती की आप तरफ आऊँगा तो यहाँ दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है असल लेक। ओके बढ़ेंगे, यहाँ पर मुझे नीचे की तरफ लेक तुर्काना है, तुर्काना दिख रहा होगा आपको। आपका जो मैप है फिजिकल मैप अफ्रीका का, दो साइड आपको दिख रहे हैं, एक पॉलिटिकल फिजिकल, फिजिकल के साइड चले जाओ, उस साइड पे आपको दिखना तुर्काना, तुर्काना को देखो कहाँ दिखेगा। हाँ बहुत बढ़िया पूनम, बहुत बढ़िया, तो वहाँ देखो तुर्काना,
सर वेस्ट में जाऊंगा तो चार कंट्री के अंदर, चार कंट्री में मुझे सर यहाँ लेक दिखेगी। इस लेक पे अगर मैं देखूंगा तो देखो चारों तरफ आपको ना डॉट 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 बनते हुए दिखेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे डॉट डॉट, और फिर उसके बीच में जो है ना आपको ना लेक का पॉइंट दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट डॉट है यहाँ कभी जो है इसका हिस्सा होता था लेक का, बट ओवर द टाइम ये श्रिंक हो रहा है ना। जैसे ईरान में एक लेक है उर्मिया, वो भी श्रिंक हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे लेक हैं जो श्रिंक हो रहे हैं, कंसर्न है ये क्लाइमेट को लेकर के। देन सर नाइजीरिया है, नहीं छोड़ो नाइजीरिया पे कहाँ गए, यहाँ देखो नीचे की तरफ कोट दी आइवरी पे पहुंचो, कोट दी आइवरी है ना, कोट सॉरी कोट दी आइवरी के ईस्ट में घाना, घाना पे पहुंचो, माफी चाहूंगा घाना पे पहुंचो, घाना पे यहाँ पे एक लेक दिख रहा है जिसका नाम है वोल्टा, एंड दैट लेक इज द वोल्टा। ठीक है वोल्टा, वोल्टा क्लियर बॉस। और कोई मुझे गिनी कह रहा था, देखो वहां गल्फ ऑफ गिनी है और यहां देखो क्या है गिनी है ना, वहां गल्फ ऑफ गिनी है, ये वाला हिस्सा गल्फ ऑफ गिनी है, ये आपका गिनी कंट्री, गिनी के ऊपर गिनी बिसाउ। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था ना कि चार कोस्ट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे पहला कौन सा कोस्ट आ रहा है, ग्रेन कोस्ट, कहाँ पे, लिबेरिया के साथ। दूसरा कोस्ट कौन सा आ रहा है, आइवरी कोस्ट, किसके साथ, कोट दी आइवरी के साथ। उसके बाद कौन सा कोस्ट दिख रहा है, गोल्ड कोस्ट, किसके साथ, ये जो तीन कंट्री आपको दिख रही है ना घाना टोगो बिनाइन उसके साथ। और फिर यहाँ पर एक नाइजीरिया आ रहा है, उस नाइजीरिया के साथ कौन सा कोस्ट दिख रहा है, और साथ साथ में बेनिन वाला भी सर स्लेव कोस्ट। तो चार कोस्ट दिख रहे हैं, गिग्स GIGS गिग्स, बस ये याद रखना। पहले ग्रेन आएगा, अनाज, अनाज आएगा तभी तो कुछ काम करोगे, पहले अनाज लेकर के आना है, फिर हाथी के दांत लेकर के आना है, हाथी के दांत को फिर सजाओ, किसके द्वारा, गुलाम जो आए हैं ना उनके द्वारा। बस मतलब कुछ याद रख लो, बस ऐसे कोई बोल बच्चनगिरी कर लो काम चल जाएगा। नीलम हरितवाल वो परसेंटेज नहीं होता, पहली बात तो आप समझो, जब भी लेक के हम लोग सैलिनिटी निकालते हैं वो परसेंटेज में नहीं निकालते, वो पार्ट्स पर मिलियन में निकालते, पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, दुनिया का जो सबसे सलाइन लेक है उसका नाम है लेक वांग, उसकी सैलिनिटी जो है वो 330 पार्ट्स पर थाउजेंड है। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल नहीं होता, ये पार्ट्स पर थाउजेंड का होता है। तो इसका मतलब है कि 400 पे कहाँ चले गए आप। ठीक है चलो बढ़े आगे। सर नीचे के हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर एक लेक दिखेगा जिसका नाम है, मुझे देखो ऊपर की तरफ हमने देख लिया सर, ये है तुर्काना, तुर्काना के साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक लेक दिखेगा जिसका नाम है एल्बर्ट, मैं लिख देता हूँ एल्बर्ट। सर नीचे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर एक लेक दिखेगा जिसका नाम है एडवर्ड, एल्बर्ट एडवर्ड। हालांकि बीच बीच में एक बोल बच्चन गिरी, इसे कि ठीक नीचे एक छोटा सा पिचकू लेक है जिसका नाम है कीवू लेक, पिचकू है कीवू। ठीक है, उसके बाद सर अफ्रीका का नहीं, ये दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लेक में आता है जिसका नाम है लेक तंगनिका, तंगनिका। ठीक है, और उसके नीचे आप आओगे तो सर ये है मालावी, मालावी। ठीक है डियर जी, मालावी। तो ये हो गए अपने लेक, और इसके ठीक जाम्बिया साइड पे आप देखोगे तो यहां पर एक लेक है करीबा, जाम्बिया के साइड पे करीबा। चलो जूम कर देते हैं, जूम करने से थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हमारी बनेगी। चलो देखो केन्या के ठीक ऊपर एक लेक बनता हुआ दिख रहा है जिसका नाम है लेक तुर्काना। अगर आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, हमने तो लेक रुडोल्फ पढ़ा है, रुडोल्फ, तो इसी तुर्काना का जो है दूसरा नाम है रुडोल्फ भी है, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर भी रुडोल्फ लिखा हो तो आप ये मत कहना कि सर ने ये तो बताया नहीं था, रुडोल्फ जो है वही तुर्काना है, जो तुर्काना है वही रुडोल्फ है। क्या गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, बस और कुछ भी नहीं। चलो सर इसके बाद है ना एक लेक दिख रहा है, लेक है अल्बर्ट, उसके नीचे एक लेक दिख रहा है, लेक है एडवर्ड, उसके नीचे एक लेक दिख रहा है सर छोटा सा पिचकू जैसा, दैट लेक इज किवू, KIVU किवू। उसके नीचे एक लेक दिख रहा है, आप देखोगे लेक तांगनिका, अगर इसकी प्रेजेंस देखोगे तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक में आती है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, नॉट लार्जेस्ट, इट्स अ लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद सर लार्जेस्ट में पूछा जाए ना बाय वॉल्यूम तो कैस्पियन सी। ठीक है, वो बाय वॉल्यूम, उसमें जिसमें पानी की प्रेजेंस ज़्यादा है। और फिर नीचे आप आओगे जो लेक, जो कंट्री का नाम है मालावी, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है मालावी, या फिर इसी को न्यासा भी बोल देते हैं, लेक न्यासा, तो ये आपको मालावी कंट्री में मिलेगा। तो आपने देखा पैटर्न, अगर आप लोग, और फिर नीचे की तरफ चलोगे तो ये जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है, अगर आप देखोगे इनके बॉर्डर के साइड पे यहाँ पर आपको एक लेक दिखेगी, लेक करीबा, करीबा डैम भी है सर इस लेक के ऊपर, और ये जो ले रिवर है एंड द नेम ऑफ द रिवर इज जाम्बेजी। ठीक है चलो बढ़े आगे।
सर ये लेक तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो ताना लेक था इथोपिया का, इथोपिया कहाँ है बॉस? ये रहा सर, इथोपिया का ये ताना लेक है। और सर आपने सारे लेक बता दिए, बट आपने विक्टोरिया क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कौन सा लेक है डियर जी? ऊपर की तरफ से चलेंगे हम लोग तो तुर्काना, ठीक है। तुर्काना के नीचे कौन सा है? एल्बर्ट। एल्बर्ट के नीचे कौन सा है? एडवर्ड। एडवर्ड के नीचे कौन सा है? किवू। किवू के नीचे कौन सा है? तांगनीका। तांगनीका के नीचे कौन सा है? मालावी। आप देख रहे हो पैटर्न, पैटर्न देख रहे हो पैटर्न। तो बेसिकली दोस्त ये जो पैटर्न दिख रहा है ये यहां पर इस तरह के पैटर्न पे क्यों दिख रही है ये लेक? क्योंकि सर यहां पर ग्रेट रिफ्ट वैली है, और इसी ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से ही ये जो बीच में आपको जो हिस्से दिख रहे हैं ये लेक वाले, ये लेक हैं। लेक तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवो, तंगनिका एंड मालावी। ऑर्डर के हिसाब से नॉर्थ से साउथ ऑर्डर पकड़ना अपने को, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ कौन कौन से लेक हैं वो देखना है। प्लस सर ये यहाँ लेक क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ग्रेट रिफ्ट वैली। सर ये ग्रेट रिफ्ट वैली चलो ओके समझा, ठीक चलो बढ़िया बढ़िया। बढ़ते हैं जल्दी, खत्म करते हैं इसको। करीबा सर हमने डैम पढ़ लिया था, रिफ्ट वैली अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में गैप आ जाता है, उस गैप को ही हम लोग रिफ्ट वैली कहते हैं। यहां पर सर एक गैप बना हुआ है ऑलरेडी, अफ्रीका के मैप पे अगर हम लोग देखेंगे तो सर ये अफ्रीका का मैप हमारा, तो इस गैप पे ही आपको यहां पर वेस्ट ईस्टर्न साइड पे एक गैप बनता हुआ दिखेगा। दरअसल यहां पर दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ईस्ट में जा रही है सर, एक वेस्ट में जा रही है। तो इसकी वजह से इसे हम लोग, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली, इसलिए इसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं, प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से। और यहाँ सर छुटकू 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 लेक बने हैं जिनके हमने नाम देखे। इसमें एक लेक नाम है आपको दिख रहा है अल्बर्ट, एक का नाम है तुर्काना, एडवर्ड, कीवू, तांगनिका और मालावी। ये सारे के सारे जो लेक हैं ये ग्रेट रिफ्ट वैली लेक ही हैं। तो आप ये कह सकते हो कि तुर्काना, हम ये कह सकते हैं कि तुर्काना प्लस अल्बर्ट प्लस एडवर्ड प्लस कीवू प्लस तांगनिका प्लस मालावी प्लस, नहीं मालावी तक, यहीं तक छोड़ दें, ये सारे के सारे जो लेक है ना ग्रेट रिफ्ट लेक्स कहलाते हैं। अगर मान के चलो कि एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ इसमें से कौन से ग्रेट रिफ्ट लेक्स हैं, तो ये सारे के सारे लेक ग्रेट रिफ्ट लेक्स हैं। मतलब इसमें ये सारे तो लेक है सर, लेकिन आपने बताया नहीं कि एक तो दुनिया की जो बड़ी लेक फ्रेश वाटर लेक में आती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी है और फ्रेश वाटर में है, लेक विक्टोरिया, वो क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स में नहीं आती, ये ग्रेट रिफ्ट वैली की वजह से नहीं बनी। वहां गैप बना, खड्डे बने, पानी भर गया, लेक बन गई, लेकिन लेक विक्टोरिया ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स में नहीं आएगी, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। और जहां पर लेक विक्टोरिया स्टार्ट होती है, अगर मैं लेक विक्टोरिया की बात करूं तो एक ब्लैंक ले लेते हैं मैप सर, यहां पे लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है और फ्रेश वाटर है, पानी उठाओ पी लो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ लेक विक्टोरिया पार्ट नहीं इसका सर, इसके तीन साइड से हमें पता है, तीन साइड से ये जो है ये जुड़ी हुई है अलग अलग कंट्री से। एक साइड इसका कौन सा है? तंजानिया। दूसरा साइड कौन सा है? केन्या, सॉरी उसके ऊपर है युगांडा, नीचे कौन सा है? तंजानिया। तो तीन साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग KUT से याद रख लेना, कूट, केन्या, युगांडा और तंजानिया, तीन कंट्री के बाउंड्री पे है। इसमें जो विक्टोरिया साइड है, जो युगांडा का साइड है, उस साइड से आप लोग एक लेक निकालोगे एंड दैट, सॉरी रिवर निकालोगे एंड दैट रिवर इज नोन एज दी व्हाइट नाइल, ठीक है, व्हाइट नाइल। इसके बाद सर दूसरे साइड से यहां पर एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना, ताना लेक। ताना लेक कहाँ है बॉस? ताना लेक सर इथोपिया में। तो इस इथोपिया से एक लेक निकालोगे जिसका नाम है व्हाइट नाइल, ठीक है, सॉरी ब्लू नाइल, दैट लेक इज ब्लू नाइल। और ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जो है दोनों जाकर के एक जगह एक हो जाते हैं, जिस जगह पे ये दोनों एक होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सर? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं खार्तूम,
सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पे जाकर के दोनों नदियां एक हो जाती हैं, और जहां ये दोनों एक हुई उसके बाद ये एक ही नाम से आगे बढ़ती हैं जिसका नाम है नाइल रिवर। और सर जैसे ही ये नाइल रिवर एंट्री लेती है इजिप्ट में, एंट्री लेने के साथ ही यहाँ पर हमने क्या बना दिया है, एक लेक बना दी है जिसका नाम है लेक नासिर, नासिर लेक। ये मैन मेड लेक है सर, और इसी लेक नासिर के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया सर, एंड दैट डैम इज़ द असवान डैम। अब होता क्या है कि असवान डैम में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अफ्रीका के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में है, और इसी बीच में छोटी आंख वाले लोगों के साथ सपोर्ट करके ये जो इथोपिया है उसने भी अपने देश में यहाँ पर एक डैम बना दिया है जो अफ्रीका के सबसे बड़े डैम में से एक है, यानी चाइनीज़ के हेल्प से यहाँ पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है ग्रैंड रेनेसांस डैम। एंड द नेम ऑफ द डैम इज ग्रैंड रेनेसांस डैम। तो इस डैम के बनने से जो वाटर का जो फ्लो है वो रुकेगा, रुकने की वजह से जो है इजिप्ट इनको धमकाएगा, बोला देख ले मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं, फिर यूनाइटेड नेशन आएगी सर, फिर बोल बच्चन गिरी होगी और खत्म खत्म खत्म, छोड़ो उसको। तो भावना समझ में आ गई आपकी कि सर दो लेक है, एक लेक ताना है, ताना लेक से निकलती है ब्लू नाइल, एक है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नाइल, ठीक है, दोनों मिल जाती है कहाँ पे, खार्तूम में। खार्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की। उसके बाद ये लेक बढ़ेगी नाइल के नाम से, लेक नासिर मैन मेड लेक है, उसी के ऊपर एक डैम बनेगा। तो डैम है असवान किस पे, नाइल नदी पे, ग्रैंड रेनेसांस डैम है किस नदी पे, ब्लू नाइल पे, कंट्री इथोपिया। समझ में आया, तो ये आपने को देखना है, ये है विक्टोरिया दोस्त फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका। ठीक है चलो बढ़े आगे। तो इसके साथ ही हमारी ये जो कहानी है ये होती है ख़त्म, लेक्स वाला टॉपिक हो जाता है हमारा ख़त्म, है ना। वोल्टा वाला वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस। मैं रोनी मानसुजा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल है, 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड है, कोड अप्लाई करना, डिस्काउंट मिलेगा, फ़ायदा होगा, विन विन जो है सिचुएशन। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस। किसी का डाउट है तो वो ज़रूर पूछो। मैं आपको बता देता हूँ कल यानी टुमारो हमारा जो है अफ्रीका लास्ट होगा, फिजिकल मैप जो है अफ्रीका का वो स्टार्ट हो चुका है लेक से, तो अफ्रीका कल हमारा लास्ट हो जाएगा, डिजर्ट डिजर्ट जो भी है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कल तो हमारा अफ्रीका खत्म हो जाएगा सर, फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, या ये कह लीजिए एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज किसके बेस पे होंगे सर, एमसीक्यूज बेस होंगे हमारे नॉर्थ अमेरिका के बेस पे, एमसीक्यूज होंगे हमारे साउथ अमेरिका के बेस पे, और एमसीक्यूज होंगे सर हमारे अफ्रीका के बेस पे। तो तीन कॉन्टिनेंट को हम खत्म कर चुके होंगे और तीनों के बेस पे हमारे फ्राइडे के अंदर एमसीक्यूज होंगे, पहली चीज़ सर। दूसरी चीज़, आज 8:30 पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हमारा सेशन होने वाला है एप्लीकेशन पे, लर्निंग ऐप पे, और उसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी जो 2011 से जो प्री के अंदर आ चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी प्लस जो ओशनोलॉजी है, इन दोनों के टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके थ्रू, विद एमसीक्यूज। तो 8:30 पे अवेलेबल रहिए। अफ्रीका हम कर चुके हैं, तीन पार्ट अफ्रीका के आ चुके हैं, चौथा पार्ट दैट विल बी द फुल एंड फाइनल फॉर टुमारो, और फ्राइडे को एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच डियर जी, किसी का डाउट हो तो फटाफट बताओ, खत्म। थैंक यू सो मच श्वेता, पूनम, पेट, कीर्ति, वेलकम, अब्दुल, थैंक यू सो मच डियर जी, ऑलवेज वेलकम, अमरीश, ऑलवेज वेलकम, श्री राम मूर्ति जी, एज यूजुअल ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, डियर अर्जुन। चलो तो मिलते हैं फिर हम 8:30 पे लर्निंग ऐप के साथ। लिंक मैंने आपको जो टेलीग्राम आईडी है मेरी उसमें मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली ऐप पे आ सकते हो, ठीक है। टिल देन एंजॉय, बाकी पैरेलल में जो दूसरी क्लास है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ज्वाइन करना है, ठीक है। 8:30, ग्रेट, बाय बाय, गुड नाइट, स्लिप टाइट, लॉट्स ऑफ लव।